अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनीस वर्ल्ड। और आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक और न्यू पार्सल से। मैंने आंटी के लिए एक डार्क सर्कल्स क्रीम ऑर्डर की थी, आंटी ने मंगवाई थी वो, तो आंटी को रात में बेचारी को जागना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई। तो उन्होंने बोला था कि अब मुझे थोड़ी ग्रूमिंग करनी है अपनी। सो लास्ट व्लॉग में मेरे ख्याल से एक फेस क्रीम हमने ऑर्डर की थी, इस बार हमने एक डार्क सर्कल्स रिपेयरिंग क्रीम ऑर्डर करी है दराज से। असल में इसलिए ऑर्डर करी है क्योंकि दराज पे वो अवेलेबल थी। वैसे वो एक मेडिकेटेड क्रीम है, तो आपको डिवागो वगैरह से भी मिल सकती है, आई थिंक सो। लेकिन जब मैंने सर्च किया था तो वो डिवागो पे नहीं थी, तो हमें दराज पे दिख गई थी वो, तो हमने वहीं से ऑर्डर कर दी। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये रही वो क्रीम। अच्छा, इसके अंदर अच्छी बात ये है कि आपको जो ना इसमें मिल रही हैं फ्रीबीज़। मतलब उन्होंने हमें ऑप्शनल तौर पे कुछ चीज़ें और दी हैं जस्ट फॉर चेकिंग। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक इन्होंने दी है स्किन ब्राइटनर सीरम। सेकंड थिंग इज़ ये भी सीरम आई थिंक सो, मॉइस्चराइज़र है। और मेन चीज़ हमने ये मंगवाई थी, आई लॉक्सल इंटेंसिव आई ट्रीटमेंट। ये बात मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एज ए सैम्पल हम लोगों को दो चीज़ें और दी हैं अपने, एक सीरम दिया और एक मॉइस्चराइजर दिया जस्ट फॉर चेकिंग अप के यू कैन टेस्ट दिस ऑल्सो। तो खैर अभी ये क्रीम आपने देख ली है, तो आंटी भी मेरे ख्याल से आ गई हैं अभी तक, तो मैं अभी उनको दिखाती हूँ। आई एम सॉरी आंटी, मुझे खोलना पड़ा क्योंकि मुझे चेक करना था कि चीज़ सही है या नहीं है, क्योंकि दराज पे तो मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने यही सोचा कि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई भी मसला हो तो फिर मैं एज सून एज पॉसिबल उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ कि हमारे पास गलत चीज़ आई है। बट आई रियली अप्रिशिएट इट कि बिल्कुल सही चीज़ उन्होंने हमें भिजवाई है, सो आई रियली लाइक इट। तो बस अभी आंटी को देते हैं, तो फिर आगे का बनाइए अपनी आईब्रोज, सही है। अब भाई सीन ये है, मैं बार बार पार्लर तो जाने से रही और मेरे पास कोई इतने फजूल पैसे नहीं है कि मैं 200 रुपीज़ दे के अपनी आईब्रोज सेट करवाऊँ। और मेरी आईब्रोज ऐसा कोई मेरा मसला भी नहीं है कि मुझे एक पार्लर से जाके सेट करवाना पड़े, मैं जब खुद कर सकती हूँ तो फिर मैं क्यों ना करूँ, ठीक है। तो ये खैर अभी मैंने थोड़ी सी फिलिंग की हुई अपनी आईब्रोज की, तो ये मैंने वैक्स से किया है। वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं जैसे रिवाज की होती है, वीट वालों की होती है, तो मैं रिवाज की लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वीट की भी मुझे नहीं समझ आती और बहुत ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव होती है रिवाज के मुकाबले में, और जो ना मुझे लेस अफेक्टिव भी लगती है वो। अच्छा मैंने रिवाज से किया है ये, मत ये देखिएगा ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ी सी फिल्ड है, ये इस तरह से क्योंकि मेरी हरकत थी, मैंने एक दफ़ा कट मार लिया था यहाँ पे ना, तो सॉरी। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं, है ना। खैर तो मैं बस यही बताना था कि मुझे ये काम भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, बगैर थ्रेड यूज़ करे आता है। अक्ल है बेटा। तो अभी मैं बाहर आई ना, ठीक है, मतलब मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं बाहर आई अभी, फिर मैंने देखा मेरी अम्मा ने मेरे लिए स्नैक्स बनाए हैं, एंड आई सेड हर कि मम्मा मुझे बना के दीजिएगा कभी, और उन्होंने बना भी लिए। ये आजकल वो वायरल रेसिपी चल रही है ना, आई थिंक सो, मैं बताऊंगी नहीं इसकी रेसिपी ना, मैं डिस्क्रिप्शन में मम्मा की चैनल का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप रेसिपी चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन ये काफ़ी वायरल है आजकल, यूट्यूब इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह पे बहुत इसके वो इंस्टेंट रेसिपीज़ जो होती हैं उनमें से। और ये मम्मा ने तो इसको थोड़ा देसी स्टाइल से बनाया, क्योंकि मम्मा ने इसमें मसाले ज़्यादा डाले, वैसे वो लोग मसाले कम डालते हैं, मम्मा ने थोड़े ज़्यादा डाले थे मसाले, और ये बहुत मज़े का बना होगा आई स्वेयर। चलिए मैं उसको खाती हूँ पहले, भैया फिर आप लोगों से बात करती हूँ। सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं करी नाश्ता, तो अच्छा मैंने अपने नेल्स निकाल दिए काफ़ी टाइम के बाद। मैं जो ना नेल्स ज़्यादातर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे नेल्स बढ़ जाए, समझ रहे हैं, जब नेल्स लगे रहते हैं ना तो ना टूटते हैं ना मैं खाती हूँ उनको, तो अब ये मेरे नेल्स अच्छा खासी आप लोग देख रहे हैं बढ़ गए, अब ये मैं इसको और बढ़ाऊँगी। खैर तो बस यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।